स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव नो कॉन्सेप्ट ऑफ एप्स। तो एप्स क्या होता है, देखिए हम जब हम सेंट्रल ऑर्बिट की बात करते हैं तो उस सेंट्रल ऑर्बिट के ऊपर कोई एक ऐसा पॉइंट जहां पर रेडियस वेक्टर जो हम लेंगे उसकी वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम होगी। एग्जांपल, अगर हमारे पास ये कोई सेंट्रल ऑर्बिट है और ये फोकस है, मीन सेंटर ऑफ फोर्स, तो देन अब देखिए अगर ये पॉइंट पी पर कोई प्लेनेट है तो ये जो डिस्टेंस है ये कम से कम कहां पर है और मैक्सिमम कहां पर है। तो आप देख पाएंगे कि यहां पर जो है ना ये पॉइंट है, यहां पर ये जो डिस्टेंस आएगी वो क्या होगी, मिनिमम होगी। और यहां पर आप देखोगे ये जो पॉइंट होगा यहां पर डिस्टेंस क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो इट मीन्स यहां पर कुछ पॉइंट ऐसे हो सकते हैं जहां पर डिस्टेंस क्या होगी, मिनिमम या मैक्सिमम। तो ऐसे पॉइंट्स को हम कहेंगे एप्स। ये एक से ज्यादा हो सकते हैं, एक हो सकता है, दो हो सकते हैं। और देखिए जैसे अगर हमारे पास कोई हाइपरबोला है, हाइपरबोलिक पाथ है और यहां पर फोकस है जहां पर सेंटर ऑफ फोर्स है, तो आप देखेंगे ये जो पॉइंट होगा इसके नियरेस्ट पॉइंट, यहां पर ये जो डिस्टेंस आएगी वो कम से कम आएगी। अगर आप कहीं और जाएंगे तो डिस्टेंस आपकी इंक्रीज ही हो रही है। तो मींस देयर इज अ पॉइंट एट व्हिच रेडियस वेक्टर हैज मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एन एप्स। एंड जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस है जैसे यहां पर ये डिस्टेंस है या फिर ये डिस्टेंस है, इन डिस्टेंस को कहेंगे हम एप्साइडल डिस्टेंस। तो ये एप्साइडल डिस्टेंस है, ये भी एक एप्साइडल डिस्टेंस है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास एप्साइडल एंगल। अब देखिए एंगल कैसे होगा, ये जो रेडियस वेक्टर बना हमारे पास, मान लीजिए बन गया एस ए, और यहां पर ये जैसे नेक्स्ट एप्स है बी, तो ये बन गया हमारे पास एस बी। तो जो ये इनके बीच का एंगल होगा उसको हम कहेंगे एप्साइडल एंगल। तो एप्साइडल एंगल क्या होगा, द एंगल बिटवीन टू एप्साइडल डिस्टेंसेस। ओके, now we have a theorem, at an apse the particle moves at right angle to the radius vector। इसका मीनिंग क्या बना कि अगर ये आपके पास सेंट्रल ऑर्बिट है और ये अगर आपके पास एप्स है, इसका नाम अगर हमने ए रख दिया, और ये आपके पास अगर फोकस है एस, तो ये अगर एप्स है तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि the particle moves at right angle to the radius vector। अब radius vector तो हमारे पास बन गया एस ए, और इस पे जो पार्टिकल मूव करेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, टेंजेंट की डायरेक्शन। मींस इस पर जो टेंजेंट होगा हमारे पास, तो ये कहना चाह रहा है कि इनके बीच का जो एंगल है जिसको हम लेते हैं फाई, तो ये प्रूव करना है कि फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लेट करते हैं लेट ए बी एन एप्स ऑन द सेंट्रल ऑर्बिट। ओके, और अब देखिए यहां पर हमें पता है कि एप्स के ऊपर क्या होता है, कि डिस्टेंस क्या होती है, मैक्सिमम या मिनिमम होती है। तो देयरफॉर इफ आर इज इक्वल टू एस ए, तो देन आर हैज मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। इसका मतलब क्या बनेगा कि R की मैक्सिमम वैल्यू है तो जो U होगा, U भी तो मैक्सिमम होगा, U इज आल्सो मैक्सिमम और मिनिमम। अब मैक्सिमम या मिनिमम के लिए कंडीशन क्या होती है कि जो डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास क्या होता है, जीरो। नाउ वी नो दैट वन बाई पी स्केर इज इक्वल टू यू स्केर प्लस में डी यू बाई डी थीटा एंड इट्स स्केर। नाउ डी यू बाई डी थीटा इक्वल टू जीरो, तो दिस इंप्लाइज वन बाई पी स्केर इक्वल टू, इसकी वैल्यू है हमारे पास वन बाई आर स्केर, इसकी वैल्यू होगी जीरो। तो इसका मतलब क्या बना, दिस इंप्लाइज पी इज इक्वल टू आर। एंड वी नो दैट पी की वैल्यू देखिए क्या होती है, पी हमारे पास अगर यहां से हम ड्रा करते हैं तो ये हमारे पास P होता है।
अब यहां से अगर हम देखते हैं कि P की वैल्यू आर पी फोर में क्या आती है, P की वैल्यू आती है R साइन फाइव। तो देखिए R से R कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचता है साइन फाइव इक्वल टू वन, दिस इंप्लाइज फाइव इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखिए हमें पता लग गया कि जब ये एक्स के ऊपर पॉइंट आएगा तो वहां पर जो डायरेक्शन बनेगी इसके, तो वो डायरेक्शन इसके रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर आएगी, मींस द पार्टिकल मूव्स एट राइट एंगल टू द रेडियस वेक्टर। नाउ वी हैव थ्योरम, इफ द सेंट्रल एक्सेलरेशन एफ इज अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस ओनली, देन एवरी एप्स लाइन divides the orbit into two equal and similar portions and there can only be two apsided distances। to prove dekhiye, let a b and c be three apses on the central orbit। जैसे ये हमने लिया एक, दूसरा ये और तीसरा ये, ए ये बी और ये सी, एंड यहां पर ले लेते हैं हम सेंटर ऑफ फोर्स ओ, एंड लेट ओ बी द सेंटर ऑफ फोर्स। अब हम ये मान के चलते हैं कि जो B वाला पॉइंट है यहां पर जो वेलोसिटी बनेगी इसकी, वो हम मान लेते हैं वो वेलोसिटी है इसकी V, लेट V बी द वेलोसिटी एट B। अभी देखिए वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वेलोसिटी निकालने का हमारे पास एक तरीका होता है, फॉर्मूला भी है, लेकिन हम तरीके से करते हैं। We know that d2u by d theta square plus में u is equal to f by h square u square। अब u square से मल्टीप्लाई करेंगे हम और 2du by theta से मल्टीप्लाई करेंगे, टू h square du by d theta we have। तो देखिए ये बनेगा आपके पास h square, तो यहां पर आ जाएगा और ये 2du by d theta d2u by d theta square plus में 2u du by d theta equal to, यहां पर क्या रह गया सिर्फ f रह गया और u square रह गया, और क्या गुणा किया हमने 2 से गुणा किया है और du by theta से गुणा किया। अब हम करते हैं इसका इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो h स्क्वायर कांस्टेंट, अभी किसका इंटीग्रेशन होगा हमारे पास du by d theta इसका होल स्क्वायर प्लस में यहां पर आएगा u स्क्वायर, और ये बनेगा देखिए टू कांस्टेंट इंटीग्रल ऑफ एफ बाई यू स्केर डी यू। अब हम पुट कर लेते हैं, जैसे यू को वापस आर में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, नाउ आर इज इक्वल टू वन बाई यू, तो दिस इंप्लाइज डी आर इज इक्वल टू माइनस वन बाई यू स्केर डी यू। तो यू को वापस आर में कन्वर्ट कर देंगे तो ये देखिए क्या बनता है, दिस इंप्लाइज ये एक्स स्केर, और ये आपको पता है इसकी वैल्यू क्या होती है वन बाई टी स्केर, यहां पर क्या रहेगा टू, और देखिए माइनस साइन हमें बाहर निकालना पड़ेगा, और यहां पर रह जाएगा ये एफ डी आर। अब ये एक्स स्केर बाई टी स्केर क्या होता है वी स्केर, यहां पर प्लस वो भी ले सकते हैं कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो दिस शोज दैट वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ एफ एंड एफ इज अ फंक्शन ऑफ आर, सो इट इज अ फंक्शन ऑफ आर ओनली। तो दिस शोज दैट
velocity is a function of r. R means distance. Means O से B point, जो भी point है, B है कोई भी, तो उसकी जो distance है उसी पर ही velocity depend कर रही है बस. Now consider two motions of the particle which is at B. अगर ये particle यहां से C की तरफ जाएगा तो ये मान लेते हैं कि किसी भी point, अगर ये P point P dash लेते हैं, यहां पर P ले लेते हैं, अगर ये velocity V है तो ये particle डिस्क्राइब करेगा पाथ बी पी डैश सी. और अगर हम इसकी वेलोसिटी को कर दें रिवर्स कर दें तो ये पाथ वापस से जो पहले वाला पाथ था उसी को रिट्रेस करेगा, यानी कि बी पी ए. तो हम लिख सकते हैं इफ द पार्टिकल एट बी विद वेलोसिटी वी मूव्स towards C, it describes the path. कौन सा पाथ बनेगा? B P dash C. And if the velocity is reversed at B, then it will describe the path. कौन सा पाथ बनाएगा? BPA. तो यानी कि अगर पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव करता है तो ये पाथ बनाएगा BP-C, और अगर इसकी वेलोसिटी को उल्टा कर दें तो जो पहले वाला पाथ था वही रिट्रेस करेगा BPA. तो हमें पता है कि जो वेलोसिटी है वो सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस का ही फंक्शन है. इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे ये पार्टिकल इधर जाएगा यहाँ पर ये डैश के ऊपर पहुंचेगा तो ये जो डिस्टेंस आएगी, और यहाँ पर ये पी के ऊपर पहुंचता है ये जो डिस्टेंस आएगी, अगर ये डिस्टेंस सेम है तो यहाँ पर वेलोसिटी भी सेम रहेगी. तो देखिए जैसे ही अगर ये पार्टिकल ये आगे जाएगा सी तक जाएगा, ये ए तक जाएगा, और ये ए और सी हमारे पास दो एप्स हैं, तो इसका मतलब यहां पर जो आर थीटा आएंगे जो आर थीटा यहां पर आएंगे वो आपके सेम रहेंगे. तो देयरफॉर फ्रॉम द इक्वेशंस आर डबल डॉट माइनस में आर थीटा डॉट स्क्वायर इक्वल टू माइनस एफ एंड आर स्क्वायर थीटा डॉट इक्वल टू एच shows that r and theta on both sides of OB are same at same instant. इसका मतलब ये बना कि जितने समय में कोई पार्टिकल अगर किसी पॉइंट पे जाता है तो वहां पर जो आर्थिकता होंगे, और उतने समय में एक पार्टिकल इस दिशा में जाता है तो वहां पर जो आर्थिकता होंगे वो आपके सेम रहेंगे. इसका मतलब ये जो कर्व बनेगी और ये जो कर्व बनेगी वो आपकी सिमिलर कर्व्स बनेगी. देयरफॉर द कर्व्स डिस्क्राइब्ड ऑन आइदर साइड of OB are similar and now A and C are apps. ए और सी एप्स है, इसका मतलब क्या होगा कि ए और सी एप्स है तो यहां पर ये जो डिस्टेंस आएगी और ये जो डिस्टेंस आएगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी. तो देयरफॉर ओ ए इक्वल टू ओ सी.
तो इसका मतलब हमने ये दिखा दिया कि अगर ये ए और सी हमारे पास दो एप्स हैं इस बी के बाद, तो इनकी डिस्टेंस सेम रहेगी। अगेन इफ बी इज नेक्स्ट एप्स देन ओडी विल बी इक्वल टू ओबी, यानी कि अगर डी अगर कोई दूसरा इसके बाद कोई नेक्स्ट एप्स आता है हमारे पास, तो ये जो डिस्टेंस आएगी वो ओबी के इक्वल ही रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि एक के बाद अल्टरनेट अगर आपके पास एप्स आते हैं तो उनकी डिस्टेंसेस अल्टरनेटिवली सेम रहेगी। नाउ वी हैव अनदर थ्योरम, इफ द सेंट्रल एक्सेलरेशन वेरीज एज सम इंटीग्रल पावर ऑफ द डिस्टेंस देन देर आर एट द मोस्ट टू एब्सिसाइडल डिस्टेंसेस। यानी इसमें गिवन क्या है, जो सेंट्रल एक्सेलरेशन है वो किस इंटीग्रल पावर में है, डिस्टेंस के इंटीग्रल पावर में है। लेट एफ इज वेरीज एज आर इज टू पावर एन, एफ आर के किसी इंटीग्रल पावर में है, तो इसका अंदर हम क्या ले लेते हैं, देयरफॉर लेट एफ को हम मान लेते हैं म्यू इंटू आर की पावर एन, और आर को हम चेंज कर देंगे यू में, तो ये बनेगा म्यू बाई यू रेस टू पावर एन। अब हमें प्रूव क्या करना है कि वहां पर सिर्फ दो ही डिस्टेंसेस होंगी एप्सिलॉन डिस्टेंसेस, तो उसके लिए हम यूज करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का। नाउ वी नो दैट डी टू यू बाई डी थीटा स्केयर प्लस में यू इक्वल टू एफ बाई एच स्केयर यू स्केयर, यहां पर एफ की वैल्यू पुट कर देते हैं और इस यू स्केयर को उड़ा कर देंगे इधर, तो ये एच स्केयर डी टू यू बाई डी थीटा स्केयर प्लस में यू इक्वल टू, ये देखिए यू म्यू यहां पर आएगा और यू की पावर एन प्लस टू हो जाएगी। अब हमें करना है इंटीग्रेशन, उसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय टू डी यू बाय डी थीटा ऑन बोथ साइड्स। तो यहां पर ये बनेगा एच स्केयर टू डी यू बाय डी थीटा डी टू यू बाय डी थीटा स्केयर प्लस में टू यू डी यू बाय डी थीटा इक्वल टू, एक तो टू आएगा टू ये म्यू और ये यू रेस टू पावर एन प्लस टू, और यहां पर आपके पास आएगा डी यू बाई डी थीटा। अब हम कर देते हैं इसका इंटीग्रेशन, तो देखिए एच स्क्वायर कांस्टेंट इसका अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा डी यू बाई डी थीटा और इसका स्केयर प्लस में इसका इंटीग्रेशन आएगा यू स्केयर। अब यहां पर देखिए यहां पर ये टू म्यू तो है कांस्टेंट, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, इसको आप अगर ऊपर ले जाएंगे तो यू की पावर आएगी माइनस में एन प्लस टू, तो इंटीग्रेशन करते टाइम पावर क्या हो जाएगी माइनस में एन प्लस वन रह जाएगी, यानी एक ऐड कर देंगे और उसी से कर देंगे फिर हम डिवाइड ये, और प्लस में सम कांस्टेंट सी। अब हम क्या करेंगे एप्स की बात करेंगे, नाउ एट एप्स, एप्स के ऊपर क्या होता है डेरिवेटिव होता है जीरो, तो देयरफॉर यहां पर बचेगा ये एच स्केयर ये जीरो और ये बचेगा यू स्केयर, यहां पर आएगा ये टू म्यू यू रेस टू पावर माइनस में एन प्लस वन डिवाइडेड बाय माइनस में एन प्लस वन प्लस में सी। अब हम यू को आर में कन्वर्ट कर देते हैं, दिस इंप्लाइज एच स्केयर बाय में आर स्केयर, यहां पर आएगा ये टू म्यू बाय में माइनस ले लेते हैं यहां पर ये एन प्लस वन, और ये नेगेटिव पावर पॉजिटिव पावर बन जाएगी यानी कि आर की पावर एन प्लस वन और प्लस में सी। अब इस आर स्केयर और ये एन प्लस वन से हम इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आएगा ये एच स्केयर इंटू एन प्लस वन इक्वल टू माइनस टू म्यू और आर एस टू पावर एन प्लस थ्री प्लस में सी एन प्लस वन आर स्केयर।
तो ये क्वेश्चन बन जाता है। अब देखिए इसको हम लिखते हैं आर की पावर एन प्लस थ्री को हम इधर ले आएंगे और हमने एक तरह से माइन टू म्यू से इसको कर दिया डिवाइड, ये इधर आगे प्लस का हो गया, इसको भी इधर ले आओ तो ये माइनस का आएगा सी एन प्लस वन बाय में टू म्यू आर एस टू पावर टू और ये इधर था ही पहले से प्लस में एच स्क्वायर एन प्लस वन बाई टू म्यू इक्वल टू जीरो। अब देखिए ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है जिसकी डिग्री एन प्लस थ्री है। अब हमें ये देखना है कि आर की मैक्सिमम कितनी वैल्यू हो सकती है। तो देखिए नाउ दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन has at most two variation of signs। देखिए आप देखिए यहां पर ये तो कोफिशिएंट वन है इसका तो आर स्क्वायर कोफिशिएंट है सी एन प्लस वन बाई टू म्यू। अब ये मान लीजिए एन प्लस वन तो यहां पर भी है यहां पर भी है वो तो सेम साइन रहेगा दोनों का, टू म्यू का भी सेम साइन रहेगा, रह गया सी और एच स्क्वायर की बात, एच स्क्वायर पॉजिटिव है ही, इट मींस इट ऑल डिपेंड्स ऑन सी। अगर सी पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, अगर सी नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर सिर्फ दो ही मैक्सिमम वेरिएशन ऑफ साइन आ सकते हैं, अगर ये नेगेटिव है तभी आ सकते हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव वन वेरिएशन, नेगेटिव पॉजिटिव वन वेरिएशन। So it means therefore by Descartes rule of sign the equation, इसका नाम रख देते हैं जैसे इक्वेशन नंबर वन, द इक्वेशन वन हैज एट मोस्ट टू पॉजिटिव रूट्स, रूट्स मीन्स वैल्यूज ऑफ आर, यानी कि आर की इस इक्वेशन से पता लगता है कि सिर्फ दो ही पॉजिटिव वैल्यूज आ सकती हैं, बाकी अगर कोई आएगी तो वो नेगेटिव में आएगी या फिर इमेजिनरी में आएगी। इसका मतलब जो पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी आर की वही तो डिस्टेंसेज होंगी। तो दिस प्रूव्स दैट कि देयर आर एट द मोस्ट टू एब्सर्ड डिस्टेंसेज, हैंस देयर आर एट द मोस्ट there are at most two abscisal distances।